दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के बाल झड़ना शुरू होते हैं तो उसके बारे में सोच सोच के अपनी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है, क्योंकि फिजिकली या मेंटली शरीर में ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से बालों के झड़ने की प्रक्रिया भी तेज़ हो जाती है। अक्सर जिन लोगों के भी बाल झड़ते या गिरते हैं वो कभी भी अपने बालों के झड़ने का कारण जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जिसे लगाते ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपके बाल शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से झड़ रहे हैं तो अब बालों में अलग से चाहे जो भी लगा लें उसका कोई असर नहीं होता। और साथ ही साथ आप कौन सा शैम्पू और हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि आपके बालों के झड़ने की वजह आपका शैम्पू और आपका हेयर ऑयल भी हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि बाल किन किन कारणों से झड़ते हैं, अगर बाल झड़ रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए और कौन सा शैम्पू और तेल अपने बालों में इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू करते हैं कारण से। दोस्तों, की गई एक रिसर्च के हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति के हर दिन 50 से 100 बाल यूं ही झड़ जाते हैं, जो कि नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब बालों के झड़ने की संख्या इससे ज्यादा हो जाए तो उसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कहते हैं। ज्यादातर लोगों में बालों के झड़ने की समस्या शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है, जिनमें प्रोटीन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, सिलेनियम, बायोटिन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन A, C, D और E बालों की मजबूती और ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट होते हैं। और जब शरीर में इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। महिलाओं में पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे भी बालों के झड़ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके बाल भी समय से पहले झड़ने और पकने लगते हैं। इसके अलावा बालों में खिंचाव और हीट पैदा करने वाले हेयर स्टाइलिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना और किसी भी बीमारी में की गई दवा के साइड इफेक्ट से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मर्दों में ज्यादा मास्टरबेशन करने से भी बालों के झड़ने की समस्या होने लगती है, क्योंकि मास्टरबेशन के दौरान बहुत से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन DHT में बदल जाते हैं, जो हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देते हैं। इसलिए अगर आपको ऊपर बताई गई बातों में अपने बालों के झड़ने का कारण समझ में आता है तो सबसे पहले उसे ठीक करने की कोशिश करें, ताकि उसके बाद किए जाने वाले नुस्खे का असर ज्यादा तेजी से हो। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों के भी बाल झड़ते हैं उन्हें अपने खाने में कौन कौन सी चीजों को शामिल करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि शरीर में प्रोटीन, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, सिलेनियम, बायोटिन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन A, C, D और E की शरीर में कमी होने से बाल झड़ने की प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए जिन खाने में इन चीजों की मात्रा अधिक हो उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे कि पालक, गाजर, नींबू, संतरा, बेरी, चिकन, मछली, अंडा, बादाम, अखरोट, दाल, ओट्स और दही में वो सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि बालों की मजबूती और उसके अच्छे ग्रोथ के लिए जरूरी माना जाता है। इसलिए जहां तक हो सके इनको अपने खाने में शामिल जरूर करें। अब हम बात करते हैं बालों में लगाए जाने वाली चीजों के बारे में। बालों में लगाए जाने वाली चीजों में सबसे पहला नाम शैम्पू का ही आता है। बालों के लिए शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले शैम्पू में सल्फेट, पैराबेन, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव और ट्राइक्लोसेन जैसे केमिकल होते हैं, जिसके डेली इस्तेमाल से ये सर पे मौजूद स्काल्प को बहुत नुकसान पहुंचाता है और जिसकी वजह से समय के साथ साथ बालों के जड़ कमजोर होते जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए जो नेचुरल चीजों से बनाया गया हो। मेरे हिसाब से खादी शैम्पू एक बहुत अच्छा शैम्पू है। मैंने इसको खुद यूज किया है और यकीन मानिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये 100% नेचुरल चीजों से ही बनाया जाता है और पूरी तरह केमिकल फ्री होता है, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। इसे ऑनलाइन खरीदने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा खादी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने इसे खुद यूज किया है और मुझे अच्छा लगा है, इसलिए जो सच है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद नंबर आता है बालों में लगाए जाने वाले तेल का। तेल हमेशा ही बालों के जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी वही तेल बालों के झड़ने का कारण भी बन जाता है। मार्केट में मिलने वाले तेलों में मिनरल ऑयल, पैराफिन, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव और BHT जैसे केमिकल होते हैं जो बालों के जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा ही एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन सरसों तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलने वाले ऑलिव ऑयल या फिर बादाम के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ प्योर फॉर्म में मिलने वाले तेल का नाम और उसके खरीदने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर में तेल लगाने के बाद उसे उंगलियों की मदद से 2-3 मिनट तक मसाज करना चाहिए और कभी भी तेल को सर में 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं रहने देना चाहिए।
हैं। वो धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है और जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए सर में तेल लगाने के 2-3 घंटे बाद उसे आपको जरूर धो लेना चाहिए। अगर आप अभी तक बताई गई बातों को ठीक से फॉलो करते हैं तो आपको अलग से बालों की मजबूती के लिए कुछ भी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बालों को जल्दी घना और लंबा बनाने के ऊपर मैं कोई बालों में लगाने वाले नुस्खे के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।